दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज ये वीडियो उसी पर है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऑपरेटर की सैलरी कितनी थी, शुरू में कितनी होती है, और जैसे जैसे वो पुराना होगा उसकी कितनी सैलरी तक जाती है। तो अक्सर ये देखा गया दोस्तों कि इंडिया में ऑपरेटर की सैलरी लगभग मैंने खुद देखा है, क्योंकि जहाँ पे मैं जिनके पास था, जिन उस्ताद जी के पास मैं था, उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी। और आपने देखा भी होगा वीडियो में, मैं पहले 150 टन पे था, टेरेक्स दिमाग 435 में था मैं, और वो 150 टन की थी। और उसके बाद मैं 200 टन पे गया, SA500। आपने जो पिछली वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप पिछली वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे ऑपरेटर की सैलरी। तो ऑपरेटर की जो शुरुआती सैलरी होती है, लगभग जब वो ट्रायल मारता है स्टार्टिंग में, तो उनका जब स्टार्टिंग में लगते हैं तो कहीं कहीं पर 18,000, 20,000, 22,000 और 25,000, यहाँ से इनकी शुरुआत होती है। लगभग वैसे तो 20-22 से शुरू होती है इनकी। उसके बाद उनकी जो सैलरी जो होता है, जैसे जैसे वो पुराने होंगे, जैसे 2 साल 3 साल 5 साल, वो जैसे जैसे उनकी टाइम इसमें ज़्यादा उनका अनुभव होगा, अनुभव के अनुसार उनको सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो जिन उस्ताद के पास मैं था, उनका सैलरी मैं बता देता हूँ आपको, मंथली सैलरी उनकी 35,000 रुपये थी, और खाना खर्चा उनका लगभग 6 से 10 हज़ार के करीब उनका खाना खर्चा था। ये कंपनी की तरफ से था, जिस कंपनी में लगे हुए थे, जिसमें मैं था यानी कि। उसके बाद उनको जैसे मान लीजिए हम किस साइड में काम करने जाते हैं, तो साइड में काम करने में जाने में जैसे किसी पार्टी का काम कर दिया हमने, जैसे कोई टैंक उठा के रखना होता है और या कोई भारी सामान कोई उठा के रखना होता है, वो तो उस पर भी उनको पैसे मिलते हैं। तो लगभग मान के चलिए 35,000 वो, और 6 से लेकर 10 हज़ार रुपये तक खाना खर्चा मिलता है, और कितने लगभग 40-45 ये हो गए। उसके बाद उनको जो जहाँ पर काम करने गए, जिस पार्टी का काम करने गए, वहाँ पर उनको अलग से मिलते हैं, उसे उसका इनाम, आप इनाम भी कह सकते हैं, तो उधर इनाम भी मिलता है उनको, और इनाम करीब करीब कहीं 1,000 भी मिलता है, 1,000 से लेकर 10,000 रुपये तक। 10,000 किस में होता है, 10,000 जैसे मान लीजिए रेलवे ब्लॉक होते हैं। आजकल क्या चल रहा है कि रेलवे का ऐसे चौरस वाला होता है, ब्लॉक से ब्लॉक बोलते हैं, वो क्या होता है कि रेल लाइन के बीच में से जाते हैं, तो रेलवे का काम होता है वो ब्लॉक उठा के लगाना होता है, तो उनको करीब करीब उनको 5,000 रुपये 10,000 रुपये ऐसा मिलता है, ये उनका इनाम होता है। तो सैलरी तो इनकी बहुत हाई रहती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि वहाँ से काम करके आने के बाद जो जिस कंपनी में है, पार्टी से तो मिला ही मिला, पार्टी से अलावा जब हम अपने कंपनी में गाड़ी लेकर आए, जैसे मान लीजिए हम काम करके आ गए, वहाँ से हमें इनाम मिला, फिर वापस अपने कंपनी में वो आए, तो तब भी पैसे मिलते हैं, कहीं पर 2,000 कहीं पर 5,000 कुछ इस तरीके से इनाम मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था ऑपरेटर की सैलरी। ऑपरेटर की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। और यही मैं बात करूँ कि विदेशों की, तो विदेशों में शुरुआती सैलरी आप यकीन करोगे, 35,000 से 40,000 रुपये जो नया लड़का है, अगर वहाँ पे उनको जाना होता है और 3 महीने लगभग उनको लगाना होता है, और 3 महीने लगाने के बाद उनको वहाँ का लाइसेंस लेना पड़ता है। वहाँ का लाइसेंस लेने के बाद वहाँ पे वो गाड़ी ऑपरेट करेंगे और गाड़ी चलाना अलाउ हो जाएगा उनके लिए, और चलाने के बाद उनको करीबन 35,000 40,000 50,000 उनकी शुरुआती सैलरी लगती है, और धीरे धीरे वो बढ़ भी जाती है। जैसे दो साल लगाने के बाद फिर वापस जाएंगे, फिर उनकी सैलरी और ज़्यादा आएगी। मैंने यहाँ तक सुना है कि 70-80 हज़ार रुपये नॉर्मल वहाँ पे हो जाती है, जैसे 3-4 साल आपका अनुभव हो गया तो 70-80 हज़ार रुपये आराम से मिल जाते हैं। इंडिया में भी मैंने 1.5 लाख रुपये की तक की सैलरी मैंने सुना है, वो किस पे, वो क्रावलर क्रेन पे हो, क्योंकि क्रावलर क्रेन बहुत बड़ी क्रेन होती है दोस्तों। मैं गुजरात में गया था, तो वहाँ पे जो वर्क चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, विंड पावर का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, तो वो सब उधर
बड़े बड़े पवन चक्कियां लग रहे हैं, तो उसपे उनकी उस पर जरूरत पड़ती है क्रॉलर क्रेन की, तो उस पर सैलरी बहुत ज्यादा है दोस्तों। वहाँ पे 80-80 हजार, 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी भी मिलती है। ये मैंने खुद ऑपरेटर से, ऑपरेटर मुझसे सुना है कि 1.5 लाख रुपए मिलती है। तो है ना दोस्तों कमाल की बात कि आपने इंडिया में ही रहकर तकरीबन 1.5 लाख रुपए की सैलरी भी आप पहुंच सकते हैं, तो बहुत अच्छा जॉब है दोस्तों। और जाते जाते यही कहूँगा दोस्तों कि आप जो भी हेल्पर जो भी ऑपरेटर देख रहे हैं मुझे, तो बाई मिस्टेक कहीं पर गलती हो तो दोस्तों माफ़ करना, क्योंकि मैंने जो सैलरी का जो आंकड़ा बताया वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो मैंने खुद जाके वहाँ फील्ड पे, क्योंकि मैं इसी लाइन से हूँ, मैं मशीन लाइन से हूँ, तो मशीन में हम लोग काम करते, तो हम लोग यहाँ तक की सैलरी सुनी है और यहाँ तक सैलरी लेते हुए देखा है, और जो 1.5 लाख मैंने बात बताया वहाँ तक सुना है मैंने। तो यही था दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे कुछ और हमारे मशीन से रिलेटेड ही बात करेंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार।